हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित आंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं आप लोग को लेकर आया हूँ सेक्टर 10 गणेश पंडाल। आप लोग को दिखाते हैं कि इस बार किस तरह से सजा हुआ है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेक्टर 10 में। आप देख सकते हो पीछे पंडाल लगा हुआ है, तो सजावट को भी दिखाते हैं कि किस तरह से सजा हुआ है। तो चलिए आप लोग को मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस, तो यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है। गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। यहाँ से ये होता है जाने के लिए रास्ता, और मैं इस साइड से होते हुए आप लोग को लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर लगे हुए स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। इस साइड में है बच्चों लोग के लिए खिलौना है, और यहाँ पे है पॉपकॉर्न है। तो सामने में ही है गणेश पंडाल, तो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ ये बच्चों लोग के लिए खिलौने, और देखो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी है सब समोसा वगैरह खाने के लिए। इस साइड में सामने में है गुपचुप सेंटर है, और ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है गणेश पंडाल। तो देखते हैं, बाकी माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। और ये है सांस्कृतिक मंच, गोंडिया मंडप करके लिखा हुआ है। उस साइड भी भीड़ लगी हुई है पंडाल में, तो देखते हैं। बाकी यहाँ से हमारे गणपति पप्पा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस बार गवर्नमेंट ने परमिशन तो दे दिया है, पिछले साल नहीं दिया हुआ था। बाकी पंडाल को आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है। यहाँ पे सब घूमने के लिए आए हैं, छोटे से लेके बड़े। और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो झूला वाला है। इस साइड में भी झूले वगैरह लगे हुए हैं। ऐसा देखो, ये पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। हमारे गणपति पप्पा बीच में विराजमान हैं, तो देखते हैं आप लोग को दिखलाते हैं। अभी गाना बंद हुआ है, इसके पहले बहुत ज़्यादा गाना की आवाज़ आ रहा था। और ये वाला आप देख सकते हो सेक्शन झूला वाला है। बाकी देखते हैं अंदर जाकर। चलिए मैं आप लोग को अंदर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अपन धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर जूता निकाल लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हमारे गणपति पप्पा जी को। गाइस, तो मैं अंदर आ चुका हूँ। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सजाया गया इस पंडाल को। और यहाँ पे पूरा मास्क चेक वगैरह किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, और टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो आप आते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अब मैं आपको पंडाल दिखलाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया। ये सेक्टर 10 का गणेश पंडाल है। लाइट वगैरह बहुत ही शानदार किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गणपति महाराज जी को। और बीच में मस्त सुंदर से विराजमान है हमारे गणपति महाराज। यहाँ पे सब फोटोग्राफी ले रहे हैं, तो दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मस्त सुंदर सा बैठाए हुए हैं, और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया हुआ है। और तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, दिखलाता हूँ मैं आप लोग को सामने से। तो मैं गणपति महाराज जी का दर्शन कर लिया हूँ। आप लोगों ने दिखाया बहुत ही खूबसूरत पंडाल बना हुआ है। अब मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ झूले वाले सेक्शन में। आप देख सकते हो इस साइड पर झूला लगा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैं झूला सेक्शन में पहुंच चुका हूं। यहां पे देखो भीड़ लगी हुई है। आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। आज का जो माहौल है ना, सच में बहुत ही अच्छा है। तो आप भी आइएगा घूमने के लिए यहां पे अपने फैमिलियों के साथ।
ये वाला जो झूला है ना, टोरी टोरा करके झूला है, और ये मुझे बहुत ही अजीब से लगता है जब मैं इसमें झूलता ना तो चक्कर जैसे लगता है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है, बाकी आपके ऊपर है, मैं तो नहीं ट्राई करने वाला। ये वाला झूला देखिए, हवाई जहाज वाला, बच्चों के लिए है, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे इस पंडाल में आपको मेला भी देखने को मिलेगा अगर आप आते हो तो। यह सेटर ट्रेन गणेश पंडाल है, इस बार अच्छा खासा देखने को मिल भी रहा है। ये ड्रैगन वाला है, तो आप यहाँ आकर इस झूले का लुत्फ उठा सकते हैं। आप भी आइएगा फैमिली के साथ घूमने के लिए। गणेश पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, आप देख सकते हो। इन्हीं के जस्ट सामने में ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। ये है आपका आइसक्रीम सेंटर है, इस साइड है बच्चों लोग के लिए झूला वाला सेक्शन। ये मीना बाज़ार है, आप कह सकते हो कपड़े वगैरह सब आए हुए हैं बिकने के लिए, तो यहाँ पे आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। बाकी इस साइड भी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे गर्ल्स वगैरह के लिए सब सामान वगैरह भी आया है, बीच में खाने का सब आइटम है। यहाँ पे लिखा हुआ है मामा बैंगल्स एंड स्टेशनरी है। चलिए सामने देखते हैं, ये देखो कपड़ा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 200 300 500 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी भीड़ वगैरह लगे हुए हैं, सब आए हुए हैं ख़रीदने के लिए। तो आप पंडाल में आइएगा घूमने के लिए, सेटर ट्रेन गणेश पंडाल। बाकी आपको और कुछ कुछ दिखाते हैं यहाँ पर। ये है गर्ल्स के लिए इस साइड में, ये इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे बैग वगैरह भी है। तो ये बैग है सब 250 300 400 तक के रेंज में आपको मिल जाएगा। बाकी ये गर्ल्स के लिए हैं, नाक गले ये सब है। और इस साइड में है कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं तो बातचीत वगैरह कर रहे हैं। बाकी हम आपको इस जगह के बारे में दिखलाते हैं, यहाँ पर भी सब खाने के आइटम्स हैं और यहाँ पे सब महिलाएं लगी हुई है खाने के लिए। तो इस साइड अपन चलते हैं, ये आप देख सकते हो एरिया, सब बैठे हुए हैं, सब खा रहे हैं। तो इसी तरह से भी आप यहाँ पर बैठकर फैमिलियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं गणेश पंडाल में सेटर ट्रेन। चलिए देखते हैं, हमारे छोटे साले साहब खेलने ही वाले हैं तो उसको अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक दो भाई लोग तो खेल रहे हैं, इसमें 6 गिलास गिराना है, मतलब 6 गिलास गिराने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इनाम रखे हुए हैं, घड़ी है और टेडी बियर्स रखे हुए हैं। गाइस तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेटर ट्रेन का जो गणेश मंडल है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप भीड़ देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आइएगा घूमने के लिए।